हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दिव्या शुक्ला एंड वेलकम टू टारगेट विद अंकिता। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय देखेंगे। इसके पहले हमने दो जीवन परिचय को कवर कर लिया है, एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का और दूसरा जयशंकर प्रसाद जी का। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कम्प्लीट प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है, आप वहाँ से जाकर उन सभी वीडियो को भी देख सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जीवन परिचय देखेंगे। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। इनका परिवार गांव के संपन्न और प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में से था। इन्होंने कलकत्ता यानी कोलकाता विश्वविद्यालय से एमए एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। ये प्रतिभा संपन्न और मेधावी छात्र थे और परीक्षा में सदैव प्रथम आते थे। कुछ समय तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापन कार्य करने के पश्चात ये पटना और कलकत्ता हाईकोर्ट में वकील भी रहे। इनका झुकाव प्रारंभ से ही राष्ट्र सेवा की ओर था। सन 1917 ईस्वी में गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर इन्होंने चंपारण के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और वकालत छोड़कर पूर्ण रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। अनेक बार जेल की यातनाएं भी भोगी। इन्होंने विदेश जाकर भारत के पक्ष को विश्व के सम्मुख रखा। ये तीन बार अखिल भारतीय कांग्रेस के सभापति तथा भारत के संविधान का निर्माण करने वाली सभा के सभापति चुने गए। राजनीतिक जीवन के अतिरिक्त बंगाल और बिहार में बाढ़ और भूकंप के समय की गई इनकी सामाजिक सेवाओं को भुलाया नहीं जा सकता। सादा जीवन, उच्च विचार इनके जीवन का पूर्ण आदर्श था। इनकी प्रतिभा, कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी और निष्पक्षता से प्रभावित होकर इनको भारत गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। इस पद को ये सन 1952 से सन 1962 ईस्वी तक सुशोभित करते रहे। भारत सरकार ने इनकी महानताओं के सम्मान स्वरूप देश की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से सन 1962 ईस्वी में इनको अलंकृत किया। जीवन भर राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा करते हुए ये 28 फरवरी 1963 ईस्वी को दिवंगत हो गए। अब आइए इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में जानते हैं। राजेंद्र बाबू की प्रमुख रचनाओं का विवरण निम्नवत है। पहला, चंपारण में महात्मा गांधी। दूसरा, बापू के कदमों में। तीसरा, मेरी आत्मकथा। चौथा, मेरे यूरोप के अनुभव। पांचवा, शिक्षा और संस्कृति। छठवां, भारतीय शिक्षा। सातवां, गांधी जी की देन। आठवां, साहित्य। नौवां, संस्कृति का अध्ययन। दसवां, खादी का अर्थशास्त्र। आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब आइए इनके साहित्य में स्थान को देख लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सुलझे हुए राजनेता होने के साथ साथ उच्च कोटि के विचारक, साहित्य साधक और कुशल वक्ता थे। ये सादी भाषा और गहन विचार के रूप में सदैव स्मरण किए जाएंगे। हिंदी की आत्मकथा विधा में इनकी पुस्तक मेरी आत्मकथा का उल्लेखनीय स्थान है। ये हिंदी के अनन्य सेवक और प्रबल प्रचारक थे। राजनेता के रूप में अति सम्मानित स्थान पर विराजमान होने के साथ साथ हिंदी साहित्य में भी इनका अति विशिष्ट स्थान है। फ्रेंड्स, ये था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।